कोशिशा के ओना, एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आज भी जापानी लोग डर से कांप जाते हैं। ये बात है 1970 के दशक की, जब जापान के सड़कों पर बच्चों का जान जाना आम बात हो गया था। कोशिशा के ओना अपने मुंह पर मास्क लगाकर अपने साथ धारदार हथियार जैसे चाकू और कैंची रखती थी और किसी सुनसान जगह पर किसी बच्चे को पूछती थी, क्या मैं देखने में सुंदर हूँ? बच्चे के ना बोलने पर वही पर हथियार से बच्चे को मार दिया करती थी, और अगर बच्चे ने हाँ बोल दिया तो अपने मुंह से मास्क हटा कर वही सवाल दोबारा पूछती थी। अब फिर से ना बोलने पर मौत और हाँ बोलने पर अपने जैसे ही उसके मुंह को काट कर कान तक मिला देती थी। इस कारण ज्यादा खून निकलने से बच्चे की मौत हो जाती थी। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या ये चुड़ैल इंडिया में भी आ सकती है? कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें।